प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। मंगल राहु की युति जेल जाने के योग बनाती है, आइए जानते हैं कैसे ये योग बनाती है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। किसी भी व्यक्ति की जीवन में उसके कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही उसका जीवन और उसकी खुद की प्रवृत्ति निर्धारित होती है। अगर किसी भी व्यक्ति के लग्न से बारहवें खाने में अगर राहु की स्थिति बनती है तो व्यक्ति के लिए उसके जीवन काल में एक न एक बार जेल जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति मंगल और राहु की जोड़ी का कुंडली के स्थान से भी निर्धारित होता है और इसका असर भी पड़ता है। कुंडली में मंगल राहु की जोड़ी बहुत कुछ असर डालती है। मंगल और राहु ग्रह की युति व्यक्ति के ऊर्जा स्तर और उसकी आक्रामकता को प्रदर्शित करता है। मंगल ग्रह की प्रवृत्ति जो है वह इस प्रकार है। मंगल ग्रह अग्नि का कारक है और यह ग्रह ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। इसलिए जिस भी व्यक्ति का मंगल ग्रह स्ट्रॉन्ग रहता है उसके अंदर ऊर्जा का पर्याप्त भंडार होता है और कभी कभी इसकी स्थिति इतनी हिंसक भी हो जाती है कि दूसरे को क्षति पहुंचा दे। इसलिए अगर मंगल कुपित होता है तो दूसरों को यह निश्चित रूप से नुकसानदायक ही होता है या नुकसान पहुंचाता है। राहु ग्रह की प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं कि राहु ग्रह की प्रवृत्ति छाया ग्रह माना जाता है राहु को, और व्यक्ति इसके प्रभाव में आकर व्यक्ति को किसी भी काम को करने में जो ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है और वह अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाता। बिना किसी भी ठोस जानकारी के बावजूद यह कुतर्क करने लगता है। इसके कारण उसके काम बनते बनते बिगड़ने लग जाता है। रोग कुछ न कुछ बना रहता है और बिना किसी कारण से बेवजह खर्च की भी अधिकता बढ़ जाती है। राहु और मंगल की युति जब भी एक घर में एक साथ होती है तो व्यक्ति में कठिनाई ही कठिनाई आती है। चूँकि दोनों ग्रह विपरीत ग्रह हैं इसलिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसका उपचार यथोचित आवश्यक है। पहले घर में मंगल और राहु की जो युति है, जो अंगारक युति इसे बोला जाता है, लग्न के पहले घर में अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल और राहु की युति होती है तो व्यक्ति सबसे पहले स्वास्थ्य उसका प्रभावित होता है। व्यक्ति आक्रामक भी हो सकता है क्योंकि दिमाग बहुत कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए एनेक्जिटी भी हो सकती है, परेशानियां भी हो सकती हैं। दूसरे घर में मंगल राहु की युति का असर, आपको बता दें कि अगर किसी भी जातक की पत्रिका में दूसरे घर में मंगल राहु की युति होती है तो आँख की परेशानी होती है और निश्चित रूप से उसे आँख की परेशानी हो सकती है। घर में पैसे की परेशानी भी हो सकती है, कष्ट हो सकता है। खासकर आपको बता दें कि तीसरे घर में मंगल राहु की अगर युति है तो उसका असर इस प्रकार है। कुंडली के तीसरे घर में मंगल और राहु की युति होने के कारण घर के बुजुर्ग को समस्या हो सकती है, उनकी तबीयत खराब रह सकती है, इसलिए उनके सेहत पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इस घर में युति के कारण व्यक्ति निर्भीक रहता है। व्यक्ति को चर्म रोग या यूं कहें कि स्किन डिजीज हो सकती है जिससे बचने की ज़रूरत है। चौथे घर में मंगल राहु की युति का असर होने के कारण अगर जातक की जन्म कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं तो ऐसे लोगों का मन अशांत रहता है और अपने घर से हमेशा दूर ही रहने का कुछ ना कुछ संयोग बना रहता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में पांचवें घर में राहु और मंगल की युति होती है ऐसे लोगों पर विपरीत असर पड़ता है और शिक्षा बहुत संतोषजनक
नहीं हो पाती, मतलब शिक्षा में राहु जहाँ रहते हैं और डिसकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। महिलाओं को गर्भ धारण करने में समस्या आती है, पेट की परेशानियाँ रहती हैं अक्सर, जिससे बचने का उपाय करना चाहिए। छठे घर में मंगल राहु की युति होने के कारण जातक के जीवन में, खासकर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में छठे घर में मंगल राहु की युति होने से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, मुकदमे में उसे सफलता मिलती है, लेकिन छोटी मोटी समस्या हमेशा बनी रहती है। सातवें घर में मंगल राहु के युति होने का असर, अगर या युति बन रहा है तो वैवाहिक जो जीवन है, कंजुगल लाइफ, वह बहुत ही ठीक नहीं रहता है और परेशानियां निश्चित रूप से बनी रहती हैं। खासकर अगर ऐसी परेशानी बन रही है, या यूं कहें कि अगर अविवाहित है तो विवाह में भी देरी होती है और दाम्पत्य जीवन सुखी न होने के कारण या तो ऐसे लोग अलग हो जाते हैं या तलाक हो जाता है। अगर प्रेम संबंधों में रहते हैं तो भी वह भी पूर्ण सफल नहीं हो पाता। आठवें घर में मंगल राहु की युति का असर इस प्रकार है, जिन लोगों के कुंडली में आठवें घर में मंगल राहु की युति होती है उनको पेट के रोग की समस्या रहती है, हर काम में अवरोध होता रहता है, सांप का स्वप्न आता है, आदमी को दूसरे पे भरोसा नहीं होता है, कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, दुर्घटना होने के भी संयोग बनते हैं। जिन व्यक्ति के कुंडली में नौवें घर में मंगल राहु की युति होती है वैसे जातक उच्च शिक्षा में उन्हें बाधाएं होती हैं, पिता के साथ अनबन बनी रहती है, यात्राएं बहुत ही कम होती है। जिन व्यक्ति के कुंडली में दसवें स्थान में अगर मंगल राहु की युति होती है तो ऐसे जातक, आपको बता दें, नौकरी या व्यवसाय में स्थिर नहीं रहते। दसम स्थान के राहु और मंगल बहुत अच्छे होते हैं, इनका योग होने के कारण बार बार कारोबार बदलते रहता है और नौकरी अगर करते रहते हैं तो नौकरी में भी बदलाव होता रहता है। नौकरी या कारोबार अपेक्षित सफलता नहीं दिला पाता, उससे उतना लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं जिनके ग्यारहवें भाव में मंगल राहु की युति होती है। लाभे सर्वे ग्रह प्रशस्ता, ऐसे लोगों को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों का राजनीतिक करियर काफ़ी सफल होता है, राजनीति में उच्च शिखर पर भी जा सकते हैं। कारावास योग कैसे बनता है, आइए बात करते हैं। जिन व्यक्ति के कुंडली में बारहवें घर में मंगल राहु की युति होती है उनको कानूनी पचड़ों में वो पड़ सकते हैं, चोट लग सकती है और जेल जाने का भय रहता है। शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छी नहीं चलती है, उसमें भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। चूँकि राहु और मंगल जो है वह दोनों की युति होने के कारण अंगारक नामक ग्रहण योग बना। अंगारक नामक मतलब राहु जो है वह डिसकंस्ट्रक्टिव ग्रह है या विच्छेद करने वाले हैं, या जिसके साथ आते हैं वैसा ग्रहण लगाते हैं। चंद्रमा के साथ आएंगे चंद्र ग्रहण लगाएंगे, सूर्य के साथ आएंगे सूर्य ग्रहण लगाएंगे, मंगल के साथ आएंगे ऐसे ही अंगारक योग बनाएंगे, बुध के साथ आएंगे जड़त्व योग बनाएंगे, गुरु के साथ आएंगे तो आपको बता दें गुरु चंडाल योग बनाएंगे, और ऐसे ही अगर शुक्र के साथ आते हैं तो अभूतवक नामक ग्रहण योग बनाएंगे, और शनि के साथ आते हैं तो नंदी नामक ग्रहण योग बनाएंगे। राहु मतलब जिसके भी साथ जाएंगे उसके साथ ग्रहण योग बनाते हैं। ग्रहण है क्या, आप जान जाइए कि जिस ग्रहों के साथ इनकी युति होती है उसको वह डिसकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, उसकी परिस्थिति को वो उल्टा कर देते हैं, उसमें नकारात्मकता हावी हो जाती है। इसलिए आपके भी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं तो इसका यथोचित उपाय करके, इसकी शांति करा के आप लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि देवाधीनम जगत सर्वम, यह सारी दुनिया जो है, यह जगत जो है, यह देवताओं के अधीन है, और मंत्राधीनम तु देवता, और मंत्र जो है वह देवताओं के अधीन है। फिर लिखता है कि ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और ये सारे मंत्र जो हैं वो ब्राह्मणों के अधीन है,
इसी से कहा जाता है तस्मै ब्राह्मण देवता, जो पूजा पाठ और मंत्र और वेद की ज्ञान रखते हैं उन्हें ही देवता बोला जाता है। तो किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण है तो उसके दोष के लिए उसके निमित्त पूजा पाठ करके ग्रहों को मुदित करके आप लाभ ले सकते हैं। जैसे बारिश में छतरी क्या करता है, बारिश में गाड़ी में बैठ के आप एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, घर से मतलब अपने गंतव्य को जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप अंधेरे में एक स्विच ऑन किए और CFL जल गया और रोशनी जो लहलहा गई और आप एक दूसरे को देखने लगे, ठीक उसी प्रकार अगर उचित ढंग से उपाय किया जाए, शास्त्रों के मुताबिक उपाय किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।